में बल्कि विदेशों में भी इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। और इसी के साथ पूरे देश में सब व्रती इस समय शाम के अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है। और तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर भी इस समय जुड़ेंगे और पूरी अपडेट देंगे कि आखिर किस तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है। और इसी पर दिल्ली से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उज्ज्वल, उनका रुख करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कपिल गौर हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं और झारखंड से मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले उज्जवल मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी देखा गया कि किस तरीके से पहले से ही छठ पर्व की धूम दिखाई दे रही थी। 1200 से ज्यादा घाट बनाए गए थे, तो क्या तस्वीरें इस समय नजर आ रही है तमाम घाटों से? हाँ बिल्कुल करिश्मा, देखिए आपने बोला कि छठ को लेकर जो है वो तैयारियां जो है वो की गई थी, 1200 से ज्यादा जो है वो घाट बनाए गए थे। और देखिए इस वक्त मौजूदा द्वारका सेक्टर 11 है, आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं या जो व्रत रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी अर्चना है वो कर चुके हैं। सूर्य का अगर हम बात करें आज का समय 5:28 के आसपास का है। और देखिए जहाँ इस वक्त मौजूद है तो घाट बनाए गए, तकरीबन 27 घाट बनाए गए और 27 के 27 इको फ्रेंडली है। तो और क्या खासियत है इस घाट पर, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबिन शर्मा जी मौजूद है। रॉबिन जी, आज जो छठ पर मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो घाट है कैसे बाकी घाटों से अलग है? लोग पूजा कर पा रहे हैं इतनी के बावजूद भी व्यवस्था पूरी बनी हुई, किसी को समस्या नहीं हो रही। और सारे घाट जो है शुद्ध जल का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। इसमें इतने बनाने के पीछे मुख्य प्रयोजन होता है कि कितनी भीड़ हम आसानी से कर सके। एक ही घाट बनाए, खूब भीड़ सफाई भगदड़ मचती है, 2 दिन सियोल में हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे, ऐसा चाहते ही नहीं कहीं पर इवेंट हमारे बदनाम। इसलिए हम लोग सारे घाट ठीक है। उज्जवल, इसी बीच कपिल गौर भी हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कपिल, अगर बात गुरुग्राम की करें तो वहां का कैसा नजारा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से व्रत की धूमधाम वहां पर दिखाई दे रही है और कैसी तैयारियां नजर आ रही है? क्योंकि शाम के अर्ध से पहले देखा जा सकता है कि तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो इस समय पानी में खड़ी हो चुकी है, व्रत की शुरुआत हो चुकी है। करिश्मा देखिए बिल्कुल अद्भुत, बहुत अद्भुत नजारा मेरे पीछे इस वक्त बना हुआ है, एक मनोरम दृश्य अगर आप देखें तो आप देखिए कि बीच हमारे मुख्य घुटनों के तक पानी जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पे छठ पूजा का जो घाट बनाया हुआ है उसके अंदर जो श्रद्धालुगण है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो सब यहाँ पर जो है पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान की जो है पूजा कर रहे हैं, हाथों में फल लेकर के, धूप दीप लेकर के। और आप देखिए किस प्रकार से मंत्रोच्चारण जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है महिलाओं द्वारा, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ पूरी तैयारी चल रही है कि जैसे ही सूर्यास्त का जो समय होगा उस समय पर जो है उनसे भी बातचीत करेंगे करिश्मा। आज जो है छठी मैया का त्योहार है और आज आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये मेरा हम लोग का बहुत विशेष पर्व है, इसे हम लोग पुत्र के लिए करते हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए। ये हम लोग का 4 दिन का व्रत रहता है, निराहार रहता है बिना अन्न जल के, ये बहुत खुशी की बात। करिश्मा देखिए आप खुद इस देख सकते हैं कि इस प्रकार से महिलाएं भी हैं चाहे पुरुष भी हैं, फल लेकर के, गन्ना, नारियल, सेब, संतरा, मिठाइयां लेकर के और बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ जो है वो छठ का पर्व जो है वो अपने आप में एक रखता है। एक तरफ यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, दूसरी तरफ की अगर यहाँ पर नजारा आप देखें तो कई कलाकार ऐसे है जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखाते हैं पीछे बस के कार्यक्रम भी चल रहा है और दोनों ही चीजों को देख करके काफी उत्साहित हूँ। बाहर जैसे किस प्रकार के इंतजाम किए गए, सुनाई नहीं सुनाई जिस प्रकार आज छठ का जो त्योहार है क्या इंतजाम किए गए हैं त्योहार को मनाने के लिए? ये तो बहुत भव्य कार्यक्रम है छठ का, बहुत ही अच्छा ढंग से मनाया जाता है।
अभी जो सूर्य भगवान है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, फिर सुबह कल जो है डूबते हुए सूर्य को नमन करते हैं और अच्छे श्रद्धा मन से पूजा भावना पूरी रात मंगल होता है, घर में प्रसाद बनता है और बढ़िया भव्य खाते हैं और सुबह डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद छठ बच्चे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, छठ देव का आप यहाँ मनाने आए, कैसा लग रहा है आपको बता रहा हूँ? लोगों की जो भावनाएं हैं वो किस